नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हार्दिक स्वागत है तमारू एजुकेशन एंड गुजराती चैनल पर। आज आपणो टॉपिक है धोरण 9 विषय हिंदी चेप्टर 19। तेमनुं नाम है महाकवि कालिदास। साहित्य प्रकार है गद्य। लेखकनुं नाम है नरपत बारहट हडवेजा। हडवेजा उसका उपनाम है। अब हम देखते हैं विभाग एक गद्य आधारित, उसमें प्रश्न पहला। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें खाली जगह पहली है कि उन दिनों उज्जैनी में राजा विक्रमादित्य का राज्य था। दूसरी खाली जगह है महाकवि कालिदास शुरू से विद्वान नहीं थे। तीसरा है कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ है। चौथा है विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ में उसे हराने वाले से विवाह करने की घोषणा की थी। पांचवा है विद्योत्तमा ने अपनी 5 उंगलियां दिखाकर पंच तत्वों की ओर संकेत किया। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। उसमें पहला है महाकवि कालिदास बाण से पहले हुए थे। दूसरा है कालिदास विश्वविख्यात है अपनी उपमाओं के लिए। प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है कालिदास के जन्मस्थान का नाम बताइए। उसका उत्तर है कालिदास का जन्मस्थान उज्जैनी यानी उज्जैन माना जाता है। प्रश्न दूसरा है महाकवि कालिदास किस राजा के दरबार के रत्न थे। उसका उत्तर है महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के दरबार के रत्न थे। प्रश्न तीसरा है युवा कालिदास को मूर्ख क्यों माना जाता है। उसका उत्तर है क्योंकि वे वृक्ष के जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। प्रश्न चौथा है मूर्ख युवक ने पंडितों की बात क्यों मान ली। उसका उत्तर है क्योंकि उन्होंने उसे सुंदर राजकुमारी से विवाह का लालच दिया था। प्रश्न पांचवा है विद्योत्तमा किसकी पुत्री थी, उसे किस बात का घमंड था। उसका उत्तर है विद्योत्तमा राजा शारदानंद की पुत्री थी, अपने रूप गुण और ज्ञान का घमंड था। छठा प्रश्न है पंडितों ने विद्योत्तमा से किस प्रकार बदला लिया। उसका उत्तर है पंडितों ने एक मूर्ख युवक से उसका विवाह करवाकर विद्योत्तमा से बदला लिया। सातवां प्रश्न है विद्योत्तमा ने पंच तत्वों का संकेत किस प्रकार किया। उसका उत्तर है विद्योत्तमा ने अपनी 5 उंगलियां दिखाकर पंच तत्वों की ओर संकेत किया। आठवां प्रश्न है पंडितों ने विद्योत्तमा कि एक उंगली के इशारे का क्या अर्थ बताया। पंडितों ने विद्योत्तमा की एक उंगली के इशारे का यह अर्थ बताया कि ईश्वर एक है। प्रश्न नौवा मूर्ख युवक ने विद्योत्तमा की उंगली के इशारे को क्या समझा। उसका उत्तर है मूर्ख युवक ने विद्योत्तमा के उंगली के इशारे को यह समझा कि यह उसकी एक आंख फोड़ना चाहती है। प्रश्न चौथा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है कालिदास की अज्ञानता किस बात से प्रकट होती है। उसका उत्तर है निरक्षर कालिदास पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। उनके इसी कार्य से उनकी अज्ञानता प्रकट होती है। प्रश्न दूसरा है पंडितों और विद्वानों ने विद्योत्तमा से बदला लेने का निश्चय क्यों किया। उसका उत्तर है विद्योत्तमा ने घोषणा की थी वह शास्त्रार्थ में उसे हराने वाले से ही विवाह करेगी। विद्वान और पंडित उससे शास्त्रार्थ करने में ग्लानि का अनुभव कर रहे थे, इसलिए उन्होंने विद्योत्तमा से बदला लेने का निश्चय किया। प्रश्न तीसरा है विद्योत्तमा का परिचय दीजिए।
उत्तर है विदोतमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। वह गुणवती, विदुषी और बहुत सुंदर थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसे अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था। उसने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। प्रश्न चौथा है महाकवि कालिदास के कृतियों के नाम दीजिए। उसमें पहला है ऋतुसंहार, दूसरा मालविका मित्र, तीसरा विक्रमोवर्षीयम, चौथा है कुमार संभव, पांचवा है मेघदूत, छठा है रघुवंश और सातवा है अभिज्ञान सांकुतलम। प्रश्न आठवा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाँचवें वाक्य में लिखिए। उसमें पहला है विक्रमादित्य कौन थे, उनके शासन में समाज और साहित्य की कौन सी उन्नति हुई। उसका उत्तर है विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। उनके राज्य में राजा सब प्रकार से सुखी थे, देश वैभव संपन्न था, साहित्य और कला का अभूतपूर्व उत्कर्ष हुआ था। इस युग में एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार, संगीतकार और वैज्ञानिक उत्पन्न हुए। संस्कृत भाषा की खूब उन्नति हुई। राजा विक्रमादित्य ने समय समय पर सोने के सिक्के बनाए। विक्रम संवत भी उन्होंने ही चलाया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य के शासन में देश की सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। प्रश्न दूसरा है पंडितों और विद्वानों ने विद्योतमा से किस प्रकार बदला लिया। उसका उत्तर है पंडित और विद्वान विद्योतमा के घमंड को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने उनका विवाह किसी मूर्ख से कराने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा एक मूर्ख मिल गया। पंडित और विद्वान उसे समझा बुझा कर विद्योतमा के पास ले गए। उन्होंने उसे अपना गुरु और बहुत बड़ा विद्वान बताया और कहा कि अपने मौन व्रत के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। राजकुमारी पंडितों का छल समझ न सके। शास्त्रार्थ के समय मूर्ख युवक ने राजकुमारी के प्रश्नों के मूर्खतापूर्ण उत्तर दिए, पर पंडितों ने चतुराई से उन्हें सही उत्तर बताकर विद्योतमा को संतुष्ट कर दिया। विद्योतमा ने शास्त्रार्थ में अपने हार मान ली और मूर्ख युवक के साथ उसका विवाह हो गया। इस प्रकार पंडितों और विद्वानों ने विद्योतमा से बदला लिया। अब हम देखते हैं विभाग दूसरा व्याकरण आधारित। उसमें प्रश्न पहला है निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। उसमें पहला आवृत, अनावृत, मंद, तीव्र, पंडित, मूर्ख, निर्माण, विनाश, संस्कृत, असंस्कृत, निरक्षर, साक्षर। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। उसमें पहला है अनुरोध, आग्रह, दूसरा है निरक्षर, अनपढ़, तीसरा है रोचक, दिलचस्प, चौथा है ग्लानि, दुख, पांचवा है यकायक यानी अचानक, उपासना, पूजा, शीघ्र, जल्दी, प्रवीण, कुशल। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। उसमें पहला है जिसमें सबका हित समाया हुआ हो, सर्वहितकारी, दूसरा है विद्वानों द्वारा किए जाने वाले शास्त्रों की चर्चा, शास्त्रार्थ, तीसरा है विद्या में जो उत्तम हो, विद्योतमा, चौथा है बच्चों का पारिवारिक रक्षक, अभिभावक, पांचवा है साहित्य की रचना करने वाला, साहित्यकार। प्रश्न चौथा है निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। उसमें पहला है प्रोत्साहन, प्र प्लस उत्साहन, दूसरा है संस्कृत, सम प्लस कृत, तीसरा है सुदृढ़, सु प्लस दृढ़ और चौथा है व्याधि, वी प्लस आदि। प्रश्न पांचवा है निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। उसमें पहला है ऐतिहासिक, इतिहास प्लस एक, दूसरा है भौगोलिक, भूगोल प्लस एक, तीसरा है पंडित आइन, पंडित प्लस आइन, चौथा है मालविका, मालव प्लस इका, पांचवा है विद्वान,
विद प्लस वन, छठा है पद्मावत, पद्मा प्लस वत। प्रश्न छठा है, निम्नलिखित प्रतीक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। उसमें पहला वाक्य है, संस्कृत साहित्य में कालिदास की विद्वता के अनेक प्रशंसक हैं। उसमें भाववाचक संज्ञा है विद्वता। दूसरा है, समाज में नारी को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता था। भाववाचक संज्ञा है सम्मान। तीसरा है, कालिदास ने बाद में अनेक विषयों में प्रावीण्य प्राप्त कर लिया। भाववाचक संज्ञा है प्रावीण्य। प्रश्न सातवां है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से कर्तृवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। उसमें वाक्य पहला है, कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है। कर्तृवाचक संज्ञा है कवि। दूसरा है, राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। कर्तृवाचक संज्ञा है जानकार। तीसरा है, संस्कृत के महान साहित्यकारों में उनका नाम लिया जाता है। कर्तृवाचक संज्ञा है साहित्यकार।